हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज हम बनाने वाले दिवाली स्टेटस, जो कि इसमें इंस्टाग्राम काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा है, जो कि एडवांस में चल रहा है। तो इसको बनाने के लिए हमें एक एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ेगी, जिसका नाम है पिक्सल ऐप। तो पिक्सल ऐप को ओपन करेंगे फ्रेंड्स। पिक्सल ऐप हमारा ओपन हो गया, इसको कैंसिल करेंगे और अपने जो राइट साइड कॉर्नर थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। यह देखिए फ्रेंड्स, और यहाँ से इमेज साइज को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ जो बिट इसकी 1280 इसको बैक करें और यहाँ पर 720 करके ओके कर देंगे और इस न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, क्लियर। फिर अपना यहाँ से प्लस वाले पर क्लिक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, फॉर्म गैलरी में जाएंगे। यहाँ जाने के बाद अपना फोटो को सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों, PNG का लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी साइज को इंक्रीज करके सेट कर लेंगे। ये देखिए, और फिर अपना प्लस पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ अपना लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए यहाँ आप लिखेंगे एडवांस में, यहाँ लिखेंगे हैप्पी दिवाली। ये देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को। ये देखिए फ्रेंड्स, तब तक आप लोग चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, इस पर डॉट डॉट लगा देंगे और इमोजी लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस पर कुछ इमोजी भी लगा देंगे। तो आपको जो अच्छा लगो वाला इमोजी भी आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे मैं ये वाला इमोजी लगा देता हूँ यहाँ पे, इसको नीचे साइड ले आएंगे। ऐसे ना दूसरे वाले ऑप्शन पर जाएंगे, फॉन्ट पर क्लिक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, फॉन्ट पे क्लिक करेंगे, इसको फॉन्ट को चेंज, अमरनाथ बोल्ड का, जो कि ऑलरेडी पिक्सल लैब में ऐड रहता है पहले से प्रिंट। ओके, इसको थोड़ा सेंटर में लाएंगे। ये देखिए, अभी आप सभी को जो लिखा है उसको भी सेंटर में लाना है। ये देखिए, हो गया। इसको भी थोड़ा सेंटर में लाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके साइज को इंक्रीज करके सेट कर देंगे अच्छे से। और इसको कलर को भी चेंज करना है फ्रेंड्स। ये देखिए, फिर कलर वाले ऑप्शन पर अपने क्लिक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, और नीचे आएंगे, यहाँ से अपना सिलेक्ट करेंगे एडवांस में। तो इसको पहले हम इतना ब्लैक कर दिए, फिर नीचे आए हैप्पी दिवाली को सिलेक्ट किए और फिर रेड कर दिए, और फिर इसको हम लोग को काला कर देना होगा, ब्लैक हो गया। ये हमारा हो गया फ्रेंड्स, इसके साइज इंक्रीज करके अच्छे सेट कर देंगे। और फिर अपना यहाँ से एक बार प्लस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, टेक्स्ट पर गए और यहाँ अपना आईडी लिखेंगे। तो आप इंस्टा आईडी या कुछ भी लिखते हो, मैं अपना आईडी लिख दे रहा हूँ, जो कि मेरा एडिटर नूर AJK यूट्यूब चैनल है, वो मैं अभी पे लिख दे रहा हूँ। तो अगर आप लोग नए हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और जाके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए हो गया, इसको नीचे साइड लाएंगे, इसको भी फॉन्ट को चेंज करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कलर को भी चेंज कर देंगे, ब्लैक कर देंगे, इसको फॉन्ट को भी चेंज कर देंगे। ये देखिए, सेम फॉन्ट है भाई, अमरनाथ बोल्ट, इसको 3D शैडो को ऑन कर दिए। ओके फ्रेंड्स, क्लियर। फिर अपने चौथे नंबर वाले ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब अपना ट्रांसपेरेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, अब ऊपर साइड जो अपना शेयर वाला आइकन दिख रहा है, ये देखिए फ्रेंड्स, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ जहाँ कस्टम लिखा है उस वाले पर क्लिक करेंगे और यहाँ अल्ट्रा को सिलेक्ट करके शेयर टू गैलरी कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, क्लियर। तो PNG हमारा सेव हो गया। अब हमें दूसरे एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ी, जिसका नाम है लाइट मोशन। तो लाइट मोशन ऐप को ओपन करेंगे फ्रेंड्स, जिसका लिंक आलू को इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइट मोशन, जिसके पास लेटेस्ट वाला ना हो, आप मेरे टेलीग्राम से ले सकते हो। तो इसको ओपन करने के बाद यहाँ से प्लस वाले पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से क्रिएट ए प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इतना हो जाने के बाद यहाँ पर अपना प्लस वाले पर क्लिक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, और फिर अपना मीडिया पर जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से अपने जो भी PNG बनाया है इसको सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए आ गया। और इसके बाद हमको सॉन्ग को ऐड करना है, तो प्लस वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना सॉन्ग को ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को सॉन्ग का लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम से आप लोग ले लीजिएगा। तो इस पर क्लिक करेंगे सॉन्ग वाले पर, अपना जो 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से एक्सट्रा टू ऑडियो करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तो अपना ऐसे ऑडियो लोग तो वीडियो वाले को हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ तक है, इसको PNG भी क्लिक करेंगे, दूसरे नंबर पर क्लिक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, और यहाँ से अपना PNG को भी यहाँ तक कर लेंगे इंड तक। ओके फ्रेंड्स, क्लियर। अब सॉन्ग को नीचे से ऐड कर देंगे। अभी हमको इफेक्ट लगाना है, PNG को क्लिक करेंगे और अपना
सिलेक्ट वाले पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट पर क्लिक करेंगे सॉरी, और यहाँ से अपना राइट साइड का सर्च वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ अपना सर्च करेंगे वेव बाद इफेक्ट। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए वेव बाद इफेक्ट आ गया, तो इस पर क्लिक करेंगे, पहले नंबर पर शो कर रहा है। स्टैंडर्ड सेटिंग पर जाएंगे, ये हो गया। अब यहाँ से अपना जो लेफ्ट साइड में प्लस वाला आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे, इसके फ्रेज को ले जाएंगे 2 पॉइंट तक। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ लगभग 2 पॉइंट तक ले जाएंगे, ये हो गया। अब इस शार्पिंग को इसको जो है इसको भी हम लोगों को घटा कर इस पर 2 पॉइंट रखना है। ये देखिए फ्रेंड्स, शार्पिंग पे 2 पॉइंट रखना है। ओके फ्रेंड्स, प्लस पे क्लिक करेंगे, ये हो गया। और फिर मिड नाइट जो है अपना, इसको भी 2 पॉइंट रखना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको भी प्लस पे क्लिक करेंगे, आ जाएंगे एंड में। अब फिर यहाँ से प्लस पे क्लिक करेंगे अपना, अभी फ्रेज को यहाँ से 0-0 कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, क्लियर। तो अपना वेव बार इफेक्ट इस पर लग गया। अभी इस पर दूसरा इफेक्ट लगाना है, तो फिर पीएनजी को सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट पर जाएंगे, ऐड इफेक्ट पर जाएंगे, और यहाँ से सर्च करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग सर्च करेंगे स्कैन ग्लो या ग्लो स्कैन। ये देखिए अपना आ जाएगा, पहले नंबर शो कर रहा है ग्लो स्कैन। तो इस पर क्लिक करेंगे, स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करेंगे, और फिर ग्लो स्कैन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से प्लस वाले पर क्लिक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, फिर इसको थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और कुछ दूर तक आएंगे, फिर इसको माइनस कर देंगे, और फिर कुछ दूर छोड़ देंगे, फिर कुछ दूर तक आएंगे, फिर प्लस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से फिर थ्रेशोल्ड को बढ़ाएंगे और कुछ फिर कुछ दूरी तक आएंगे यहाँ पर, और फिर इसको 0-0 कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ग्लो स्कैन इफेक्ट भी लगभग लग ही गया है। देखिए यहाँ पर पूरा पकड़ लिया, इसको क्लिक करेंगे पीछे थोड़ा, फिर 0 कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अपना ग्लो स्कैन इफेक्ट लग गया। अभी इस पर एक इफेक्ट और लगाना, फिर से इफेक्ट वाले ऐड इफेक्ट यहाँ सर्च कर जूम स्ट्राइक। ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पर अपना शो कर रहा है जूम स्ट्राइक, तो उस वाले पर क्लिक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड सेटिंग पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अपना प्लस वाले पर क्लिक करेंगे, इसका स्ट्रेंथ को इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। देखिए 61 तक ले गए हैं, इसे आप लोगों को भी कर लेना है यहाँ तक, और फिर कुछ दूर आगे तक आना, 2 सेकंड 3 सेकंड जितना तक आप लोग करना, तो मैं यहाँ पर 3 सेकंड तक लगभग कर ही देता हूँ। फिर प्लस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ स्ट्रेंथ को 0-0 कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, क्लियर। और फिर नीचे से आ जाएंगे, यहाँ पर जो RGBA लिखा है इसको 2 नंबर बी है, उसको AVG करेंगे और एक को BAG कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, क्लियर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया। अभी हम लोगों को इस पर एक इफेक्ट और लगाना, जो कि HDR इफेक्ट लगाना है, जो कि आप लोग मेरे इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन या टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो बैक जाएंगे, अपने प्रोजेक्ट जाएंगे, हैप्पी दिवाली के नाम से मैंने HDR इफेक्ट दे रखा है, तो इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, प्लस वाला आइकन जो दिखता है उस पर क्लिक करेंगे, और सेलेक्ट लेयर करेंगे, फिर प्लस वाले पर ही क्लिक करेंगे। ये देखिए, कॉपी टू लेयर करके बैक आ जाएंगे, आ जाएंगे अपने प्रोजेक्ट पर, यहाँ से फिर अपने प्लस वाले पर क्लिक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से प्लस टू लेयर कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड, अपना HDR इफेक्ट भी इस पर लग गया, जो कि वीडियो चारों ओर आप लोग दिखाई दे रहा है शैडो की तरह। ये बड़ा है, इसको कट कर देंगे। ये सब हो जाए, वीडियो को सेव करने के लिए ऊपर साइड साइड कार्नर पर क्लिक करेंगे, और वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में।